देखिए, हाल ही में अभी पता चल रहा है कि रसिया ने अपना जिरकन मिसाइल को टेस्ट कर लिया है, और इसी से रिलेटेड है S-500 का डील के बारे में जो विचार चल रहा है, और ब्रह्मोस का नया वर्जन, और रसिया के बीच में क्या, इंडिया और रसिया के बीच में ब्रह्मोस का नया वर्जन के लेके क्या जुगलबंदी चल रही है, इन सब के बारे में जानते हैं। पहले तो ये जानिए कि जो जिरकॉन है ये ब्रह्मोस से भी ज़्यादा तेज क्रूज मिसाइल है, और इसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। हाइपरसोनिक क्या है ये भी चलिए बताते हैं आपको आगे। आप ये देख सकते हैं कि अभी रसिया में प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बताया है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को हम सक्सेसफुली टेस्टिंग कर लिए हैं, और ये जो एडमायर गोसाबू एक रशियन मेडवारशिप है, इसी के जरिए ये क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। आप देख सकते हैं ये इमेज, ये उस पार्टिकुलर वारशिप है जिससे ये मिसाइल को छोड़ा गया था टेस्टिंग के लिए। अब आगे जानिए कि इंडिया के पास एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन इंडिया ने ऐसा इंजन बना लिया है और वो जल्दी ही मिसाइल भी बना लेगा। ठीक, अब आप ये समझिए कि देखिए, स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैक यूनिट होता है। अगर किसी वस्तु का स्पीड साउंड के स्पीड के बराबर हो जाए तो उसको मैक यूनिट बोलते हैं। ठीक, साउंड का स्पीड कितना होता है, 343 मीटर पर सेकंड, और अगर ऑब्जेक्ट का भी स्पीड 343 मीटर पर सेकंड अगर जाए, यानी 340 मीटर प्रति सेकंड अगर वो चल जाए, तो कह सकते हैं वो हाई करीब उसको वो एक मैक का स्पीड से वो जा रहा है। ठीक, एक मैक का। अब जानिए कि सब सोनिक जो होता है उसका रफ्तार आवाज़ से धीमा होता है, कोई भी जहाज एरोप्लेन सब सब सोनिक होता है क्योंकि आवाज़ से धीरे उड़ता है। ठीक, ट्रांसोनिक उसको कहते हैं जो एक मैक यानी आवाज़ का गति से ही उड़ता है, उसको कह सकते हैं ट्रांसोनिक। ठीक, सुपरसोनिक उसको कहते हैं जो एक से लेके पाँच मैक के बीच में, यानी आवाज़ का रफ्तार से पाँच गुना तेजी तक अगर कोई सामान या जहाज या मिसाइल उड़ता है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं, और हाइपरसोनिक कहते हैं जो पाँच आवाज़ की पाँच गुना तेजी से भी ज़्यादा उड़ता है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। और अब आप ये भी जानिए कि हमारा बगल में जो दुश्मन देश है चाइना, इसने हाल ही में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्टिंग किया जो कि अपने टारगेट को 40 किलोमीटर दूर हिट कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि जो टारगेट था उससे कहीं और 40 किलोमीटर दूर जाके मिसाइल गिरा, टारगेट को नहीं हिट किया, ये फेल था, वो 40 किलोमीटर दूर जाके गिरा है। ठीक, और रसिया का जो जिरकॉन मिसाइल ये इतना पावरफुल है ना कि ये 8 से 9 मैक का रफ्तार पकड़ सकता है। अब 8 से 9 मैक का रफ्तार होता है आवाज़ से 9 गुना तेजी रफ्तार वो पकड़ सकता है। और ये देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं कि ये S-400 का, चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको S-400 क्या है। देखिए, रसिया हम लोग को S-400 का डिलीवरी चालू कर दिया, ये बात आपको पता है। ठीक, और सबसे बड़ा दिक्कत S-400 के साथ ये है कि S-400 किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक ही नहीं सकता है, इसलिए रसिया ने ये देखा कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल को S-400 नहीं रोक सकता है, तो उसने S-500 बनाया, और S-550 तो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ठीक, S-500 रोक सकता है, और फैक्ट ये है कि रसिया हम लोग को ये बेचना चाहता है क्योंकि फ्यूचर में अगर चाइना हम लोग पे किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करता है तो इंडिया उसको रोक सके इस पार्टिकुलर S-500 से, इसलिए रसिया हम लोग को ये बेचना चाहता है। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप सोच रहे होंगे अमेरिका इसमें कहाँ पे है, तो देखिए अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसका नाम है थार्ड, और कह सकते हैं कि S-400 से कमज़ोर है। ठीक, S-400 से काफ़ी कमज़ोर है। ठीक, थार्ड, और इसका सबसे खास बात ये है ना कि ये भी मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता, यानी अभी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम दुनिया में नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है। ठीक, इसलिए कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक अभी सबसे खतरनाक है, कि और रसिया का S-500 ही रोक सकता है। अब ये भी जानिए कि जो इंडिया है ये MTCR का सदस्य है, और MTCR में देखिए रसिया भी आता है, इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अमेरिका कनाडा भी आता है, लेकिन इसमें चाइना नहीं आता है, इसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश या कोई नहीं आता है। ठीक, तो जो MTCR का सदस्य होता है ना, MTCR का, उसको ये एबिलिटी रहता है कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मार्ग क्षमता का कोई भी सामान खरीद सकता है, यानी मिसाइल हो वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा कम मार्ग क्षमता का खरीद सकता है। इसी में आपको पता होना चाहिए कि रसिया ने चाइना को बेचा है S-400, पर वो S-400 400 किलोमीटर तक मार नहीं कर सकता, वो केवल S-300 वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वो 300 किलोमीटर तक मार इसलिए कर सकता है क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। और इसी में जो जुगलबंदी रसिया और इंडिया का है, मैं वो बता रहा हूँ कि रसिया और इंडिया का जो जुगलबंदी इसमें ये है कि वो दोनों मिलके ब्रह्मोस का नया वर्जन पे काम कर रहे हैं जिसका रफ्तार कम से कम तो 7 मैक हो, यानी जो आवाज़ की गति से 7 गुना तेज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गुना तेज हो। और अभी जो हम लोग के पास ब्रह्मोस मिसाइल है वो कह सकते हैं कि सुपरसोनिक है क्योंकि उसका जो रफ्तार है
वो आवाज़ का गति से 3 से 5 गुना तक का उसका रफ्तार है। ठीक, अब ये आपको मैंने पूरा मांझरा बताया जिरकोन मिसाइल का, आप मुझे अपना विचार बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे उसे पढ़ना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।